Assalamu alaikum guys, it's me Umair Akbar Sarkani and you are watching my YouTube channel. So once again, I welcome all of you in a new vlog. तो ऐसा है कि एक नए व्लॉग में आपके साथ हाजिर हूँ और तो आज हम जा रहे हैं एक ऐसे गांव जो बहुत खूबसूरत है और जिसे आलमगंज कहते हैं और तहसील काटलंग में वाक़ है. तो चलिए चलते हैं और इसे एक्सप्लोर करते हैं, लेट्स गो. अभी हम एक ऐसी जगह पे मौजूद है जो कि कासमी और आलमगंज का बॉर्डर है. इस तरफ जो आप देख सकते हैं ये कासमी है, ये कासमी गांव है और जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो आलमगंज स्टार्ट होगा. तो चलिए चलते हैं आलमगंज की तरफ. इस वक्त हम आलमगंज गांव में खड़े हैं और आप देख सकते हैं सूरज भी वहाँ पे सनसेट भी हो रहा है. यहाँ से एक अच्छा व्यू नज़र आता है सनसेट का. हर तरफ पहाड़ ही पहाड़ आपको नज़र आएंगे. ये आप देख सकते हैं पहाड़ी सिलसिला, चारों तरफ पहाड़ ही पहाड़ फैले हुए हैं. तो ये इंतहाई खूबसूरत जगह है और ऐसा है कि जब हम यहाँ से आगे जाएंगे तो तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले पर जो स्वात एक्सप्रेसवे या स्वात मोटरवे जिसे कहते हैं वो भी इस तरफ गया हुआ है. तो हम वहाँ पर जाते हैं और उसे भी आपको दिखाते हैं. हमने तो ये डिसाइड किया हुआ था कि हम पहले मोटरवे के करीब जाएंगे, लेकिन रास्ते में एक ऐसा व्यू भी देखने को मिलता है जो कि बहुत ही अट्रैक्टिव है. माशाल्लाह हर तरफ ये आप देख सकते हैं, ये खूबसूरती आप देख लीजिए. ये देखो ये पहाड़, ये सब इनको दिखाए. माशाल्लाह वहाँ पे सनसेट भी बहुत अच्छा व्यू देते हैं. तो हमने सोचा कि यहाँ पर रुक जाएँगे और कुछ पिक्चर्स वगैरह लेंगे, यहाँ भी एक शॉर्ट इस वीडियो में शामिल करेंगे. तो ये देख लीजिए माशाल्लाह. और हम ऐसा करते हैं कि यहाँ से ड्रोन शॉट्स भी लेते हैं. तो ये ड्रोन शॉट्स एंजॉय कीजिए. आलमगंज तहसील काटलंग ज़िला मर्दान में वाक़ एक खूबसूरत गांव का नाम है. ये गांव काटलंग बाज़ार से तकरीबन 9 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है. आलमगंज के एक तरफ पे कासमी और दूसरी तरफ पे पीपल वाक़ है. यहाँ की कुल आबादी तकरीबन 70 घर पर मुश्तमिल है जो कि इस गांव के रकबे के लिहाज से इंतहाई कम है. यहाँ के अक्सर लोग ज़मींदारी से मुंसलिक हैं. आलमगंज के लोग मेहनतकश और सादा लोग हैं. यहाँ साल के मुख्तलिफ मौसमों में मुख्तलिफ फसल उगाई जाते हैं. यहाँ एक दीनी मदरसा भी है जो कि जामिया दारुल उलूम आलमगंज के नाम से मंसूब है. सो वी आर रियली इन्जॉइंग द नेचुरल ब्यूटी ऑफ आलमगंज. ये एक गुजारिश आपसे करता हूँ, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें. हमारे वीडियोज़ को इन्जॉय करें और हमें सपोर्ट करें. आपके सपोर्ट की ज़रूरत है हमें. तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से ड्रोन शॉट्स आपको दिखाते हैं. माशाल्लाह ये देखिए, हाँ ये पहाड़ी सिलसिला आप देख सकते हैं. मैंने पहले वीडियो में भी आपसे कहा था, इससे जो पहले वाली वीडियो थी, कि हमारा जो गांव है, ये जो इलाका है तहसील काटलंग, इनके हर तरफ आपको पहाड़ नज़र आएंगे. ये देखिए, इस वक्त मैं स्वात एक्सप्रेसवे के बिल्कुल ऊपर खड़ा हूँ. ये आप पीछे ब्रिज देख सकते हैं, इसे पीपल ब्रिज कहते हैं, यानी द पीपल पुल. तो हम अभी यहाँ पर खड़े हैं. तो ऐसा करते हैं यहाँ से भी ड्रोन शॉट्स लेते हैं. तो ये देख लीजिए और आज का व्लॉग यहाँ पर ही वाइंड अप कर देते हैं. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. अल्लाह हाफिज़.
इस पुल का नाम पीपल ब्रिज है, जो कि कासमी और पीपल गांव को आपस में मिलाते हैं। आलमगंज गांव के करीब ही स्वात मोटरवे गुजरता है, जो कि कर्नल शेर खान इंटरचेंज और चकदरा को आपस में मिलाता है। और ये मोटरवे इस गांव की खूबसूरती को दुगना कर देती है। इस मोटरवे के बनने के बाद सयाहों का स्वात पहुंचना आसान हो गया है। तो ये था आलमगंज गांव। उम्मीद है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई होगी।